हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं साइज 3.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7th को बताया था, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम नंबर को लिट कर लेते हैं। और कैसा नंबर है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर है। तो सोल्यूशन में हम अगर टू डिजिट नंबर है, अगर हम कोई भी टू डिजिट नंबर ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर ले लिया 1 3, ये टू डिजिट नंबर है। इसमें कौन सा डिजिट है, एक यूनिट डिजिट है इसमें और एक टेंस डिजिट है। तो यही दोनों डिजिट को हम लेट करेंगे। तो नंबर में कौन सा डिजिट आएगा, एक यूनिट आएगा और एक टेंस डिजिट आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट टेंस डिजिट बी, लेट टेंस डिजिट बी यक्स। ये टेंस डिजिट हमने यक्स मान लिया और जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको हमने वाई मान लिया, यूनिट डिजिट बी वाई। तो इस तरीके से हमने फाइंड द नंबर फाइंड करना था, वो भी नंबर कैसा, टू डिजिट नंबर था तो हमने यहाँ पे लिखा। तो उसमें कौन सा नंबर होता है, एक यूनिट डिजिट नंबर होता है और एक टेंस डिजिट नंबर होता है। हमने उन दोनों को लेट कर लिया, एक्स और वाई। तब हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या फॉर्म होगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंस में यहाँ पर टेंथ का मल्टीप्लाई हुआ है और फिर हम यूनिट डिजिट को प्लस करते हैं, यानी 1 × 10। तो 1 × 10 करेंगे 10 आ जाएगा, उसमें 3 का प्लस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी हमारा जो नंबर का फॉर्म बनेगा वो कैसा रहेगा, टेंस डिजिट है यानी यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस डिजिट हमने क्या माना है, एक्स, और प्लस करेंगे हम वाई डिजिट को। तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल नंबर निकलेगा। अगर यहाँ पर भी हम देख लें तो यहाँ, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पर 10 है, हाँ 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे यक्स डिजिट हमने क्या माना था, टेंस को, और यहाँ पे टेंस कितना है, 1 है, यानी × 1 करेंगे प्लस हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 = 10 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 13। तो इस तरीके से हमारा नंबर क्या फाइंड हो जाएगा, 13, जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्म लिखा, 10x + y, ये नंबर का फॉर्म हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया गया है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी हमें सम करना है टू डिजिट नंबर को एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। यानी अगर इसको डिजिट को हम रिवर्स कर देंगे उसको, और जो हमारा टू डिजिट नंबर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 165। तो पहले हम रिवर्सिंग द डिजिट कर लेते हैं, रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग नंबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 रहेगा और जहाँ पे यक्स है वहाँ पे वाई हो जाएगा और जहाँ पे वाई है वहाँ पे यक्स हो जाएगा, यानी यक्स और वाई को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रिवर्सिंग का नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम करना है टू डिजिट नंबर। तो यहाँ पर टू डिजिट नंबर कौन सा है, 10x + y है। तो यहाँ पर 10x + y, उसके बाद हमें सम करना है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम एंड, यानी प्लस कर देंगे द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब जो नंबर हमें ऑप्टेंड हुआ है रिवर्स करके उसको लिख देंगे, यानी 10y + x। उसके बाद हमें मिलेगा क्या, इज, यानी इक्वल टू 165। अब इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 10x + x 1 जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा और यहाँ पर भी 11y = 165। अब दोनों में 11 को कॉमन कर सकते हैं हम, यहाँ पे यह आ जाएगा x + y = 165, यानी x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई साइड आएगा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें x + y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ से हमें x + y की वैल्यू 15 आ गई, इसको हम ले देंगे फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, इफ़ द डिजिट डिफर बाई 3, यानी जो हमारा डिजिट है कौन सी डिजिट, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है, अगर ये डिफर बाय 3, यानी यहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, x - y = 3। ये इक्वेशन कंडीशन ये बोल रहा है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड।
जहाँ हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, इसको भी प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 9 18। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो अगर हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे तो वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई है। तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो हमने ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हमारा था 10x प्लस वाई, इसका फॉर्म यही था। अब यहाँ पे हमें 10 रख दिया और x की वैल्यू हमारे पास आई है 9, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और प्लस कर देंगे y की वैल्यू को यानी 6। तो 10 9 90 और प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर को फाइंड किया। पहले हमने क्या किया, डिजिट को लेट किया कि टेंस डिजिट क्या है और यूनिट डिजिट क्या है। उसके बाद हमने नंबर को फाइंड किया, फिर यहाँ पे कंडीशन में रिवर्सिंग लिखा था, हमने रिवर्स कर दिया। फिर कंडीशन के हिसाब से हमने टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट के नंबर को ऐड करके किसके इक्वल आ गया, 165। और सेकेंड इक्वेशन कंडीशन क्या दिया गया था, इफ द डिजिट डिफर बाय 3, यानी हमने x माइनस वाई इक्वल टू 3 रख दिया। अब जब हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है। हमने इसको सॉल्व भी किया तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। फिर हमने नंबर में पुट करके हमने यहाँ से अपना आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।